देखिए आज से स्टार प्लस पर ना झनक आपको सुनाई देगी, बल्कि दिखाई भी देगी, क्योंकि सीरियल की शुरुआत हो रही है आज से। और हिबा जो है इसमें मुख्य किरदार में आपको नजर आएगी। तो कैसी है हिबा की ये दुनिया, यानी झनक की ये दुनिया, आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं, पूरा दिन इनके साथ बिताकर जानते हैं। आपका स्वागत है मेरे छोटे से प्यारे से पिंक घर में। इफ यू सी अराउंड एवरीथिंग इज पिंक पिंक एंड पिंक। और उप्स, थोड़ी सी गंदगी भी वहाँ पर, प्लीज़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं झनक हूँ तो मैं सब कुछ साफ़ सुथरा रखती हूँ। एक्चुअली हिबा भी बहुत साफ़ सुथरा रखती है। कुछ लोग घर पे आए थे तो थोड़ी सी गंदगी हो गई है, बट एवरीथिंग इज ऑलवेज क्लीन एंड नाइस। मेरी फैमिली कुछ यहाँ पे है और अंदर भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पर यहाँ पे आई वांट टू शो यू मम्मा पापा मेरे साथ, मैं हूँ मम्मा पापा, और भी पिक्चर्स हैं वो अंदर है, तो अभी के लिए ये पिक्चर्स हैं। और बाकी हर जगह आई फील आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, बिकॉज आई एम लाइक एवरीवेयर इन द हाउस व्हिच यू विल नोटिस इन माई रूम स्पेशली, तो वो भी दिखाती हूँ। चलिए मम्मी मेरे लिए खाना बनाती हैं, सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है, और जब मम्मी नहीं होती हैं तो समटाइम आई टेंड टू कुक, समटाइम्स दैट टू छुट्टी पे, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसलिए तो थोड़ा बहुत मुझे बनाना आता है। एंड आई थिंक मैं दाल गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो जो नॉनवेज खाते हैं मेरे दोस्त, नॉन सबने खाया है, एंड दे रियली अप्रिशिएट मी फॉर दैट। सो कॉफ़ी ऑलमोस्ट हो गई है, लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग इट। ये मेरे 25वें जन्मदिन का कप है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने रख लिया था। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अभी साफ सफाई होगी, नहा धो ली हूँ, तो अभी वक्त है झनक बनने का। अब उतना आसान नहीं है, तो आई नीड लॉट ऑफ हेल्प फॉर दैट। सो देयर इज समबडी हु हैज़ टू डू माय हेयर, मेकअप मैं खुद ही करती हूँ, बट थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है, देन माय ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग एल्स। सो शुरुआत करते हैं। ये है झनक विद लॉट ऑफ लटके झटके। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में, क्योंकि मैं बरेली से हूँ तो झुमका उठा के बरेली से किसी को लाना पड़ेगा। और ये है झनक विद लॉट ऑफ लटके झटके। ये
ये काफ़ी प्यारा सा सिंपल सा थोड़ा कश्मीरी वाइब वाला लुक है इफ़ यू सी, तो इस तरीके के कपड़े वहाँ पे लड़कियाँ पहनती हैं जो मैंने खुद भी देखा, और ज़्यादातर दे वेयर सलवार कमीज, आई हैव सीन दैट एंड लिटिल बिट ऑफ फ्लोई एंड आर्कली, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी फ्लोई, जैसे इसकी स्लीव्स भी ऐसे देखेंगे तो फ्लोई है, एंड वी हैव गिवन हर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी यहाँ पे और यहाँ पे, एंड वी हैव केप्ट मिनिमल मेकअप बिकॉज आई फील कश्मीरी गर्ल्स आर सो ब्यूटिफुल, खुद में एक उनका सन किस्ड लुक रहता है बिकॉज व्हेन इट्स सनी तो वो एकदम पिंक हो जाती है, सो वी ट्राई टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड, एंड वी थॉट कि एकदम नेचुरल लुक कैसे दिया जा सकता है जनक को, तो वो ऐसे दिया जा सकता है, सो वी डिड दैट। आप जैसे बोलते हैं ना स्टार परिवार, तो ये एक्चुअली मैं परिवार है, मैं कई किरदारों से मिली हूँ, पहली बार कभी पहले मिली नहीं थी, तो दे वर सो वॉर्म एंड दे वर सो नाइस, तो वी हैव शॉट विद देम टुडे ऑल्सो, आई एम गोइंग टू अनदर सेट एंड वी शूटिंग देयर ऑल्सो, तो मैं नए नए किरदारों से मिल रही हूँ जो बिल्कुल परिवार जैसे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड वो भी इतना सारा प्यार दे रहे हैं और उनको आप लोग इतना प्यार देते हो, तो आई रियली होप कि आप उनको जैसे प्यार देते हो वैसे ही हमारे शो को हम सबको देंगे, बिकॉज वी हैव ट्राइड रियली हार्ड टू एंटरटेन यू गाइज, थैंक यू। ABP News आपको रखे आगे।